में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं संजीव हंस, गुलाब यादव, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को एज इट इज रखा जा रहा है, ना तो केस लिस्ट पे से ऊपर आ रहा है, कुछ भी उसमें हो नहीं रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, छोटे बच्चे को लेकर के इसका एडमिशन नहीं हो रहा है इस तरह से, और हमें धमकियां देता है कि मैं न्यायपालिका में भी तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, न्यायपालिका को भी मैं खरीद लूंगा, मैं इतना पैसे वाला हूं, मेरे पास ताकत है, मैं कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस ने व्हाट्सअप कॉलिंग करके मुझे धमकी दी है लास्ट बार, क्योंकि इससे पहले वो कॉल करता नहीं था। जब मैंने FIR किया तो बीच बीच में कॉल करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, RM को एक्सेप्ट करने की बात थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो एक बार और मुझे धोखा देना चाहा कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए, इसको लालच देकर झूठा वादा करके, वो ऐसा कुछ किया नहीं। और अब हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, इनके ये जा कर के बैठते हैं एडवोकेट जनरल के यहाँ, कहते हैं हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा केस लिस्ट पे नहीं आएगा, तुम कैसे लड़ लोगी, हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं इलाहाबाद से जब भी यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल डरते हुए आती हूँ। मुझे बॉडीगार्ड मिला था लेकिन अब वो भी ले लिया गया। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है, और एक महिला की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। रेप के 90% केसेस में 10% केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर डेमोक्रेसी होगा तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्सी बाबू बने हैं, कभी उनका बिना पेंदे का लोटा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं वो। ऐसे अधिकारी संरक्षण में हैं तो ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज घोषित कर रहे हैं। जंगल राज तो अभी है ये। RJD के सुर्खियों बोलते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब बिहार में इस तरह से जंगल राज है, गुंडा राज है, इनको हटाइए, बिहार बचाइए। यहाँ की मैं बेटी हूँ, मैं कास्टिज्म की भी बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स यादवों को लेकर के कास्टिज्म होती है, जातिवादी की पॉलिटिक्स होती है। हम एक यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ, 2 साल हो गए मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा लेकिन कभी भी DNA प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का टोन है IAS ऑफिसर का, उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके लास्ट बार ये बात बोला है। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूँ? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाए? अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये पावरफुल लोग हमारे आवाज़ को ऐसे ही दबाएंगे। बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं बार बार। क्या कर लोगी तुम? तुमने किया तो केस क्या हो गया? बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं, कोर्ट जाए तो कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे मैडम इन लोगों से ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ? हम ये संजीव हंस और गुलाब यादव, ये जो नॉन लोग होते हैं उन लोग को बताते हैं क्या, गायत्री को समझा लो कोर्ट आती है तो उसका गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसको मरवा देंगे, बच्चे को मरवा देंगे, DNA प्रूफ नहीं होने देंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा। सरकार के पास गए थे? हम सरकार से मिल, सरकार से तो 3 साल से चिल्ला रहे हैं, सरकार के पास गए थे। उस समय सरकार इनकी JDU की सरकार BJP के साथ थी, अब बिना पेंदे के लोटा पलट के इधर आ गए हैं तो इनकी सरकार, इनकी तो बस कुर्सी कुमारी को कुर्सी चाहिए। बिहार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या महिलाओं का शोषण हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ पैसा प्रॉपर्टी नहीं, मैं इक्वल लीगल राइट चाहती हूँ अपने बच्चे का। बिना DNA टेस्ट प्रूफ होगा कि ये, पहले तो DNA टेस्ट ये हो कि ये किसका बच्चा है। ये कोर्ट में केस पड़ा है, पेंडिंग है, ये पावरफुल लोग हैं, आने देंगे तब तो हमको धमकी देते हैं कि हम गुलाब यादव संजीव हंस हम केस नहीं ऊपर आने देंगे। ये बैठते हैं जाकर एडवोकेट जनरल PK Sahi के यहाँ और वो जो सारे केस को मॉनिटरिंग करते हैं ये लोग। और हम तो इनके जितना पावरफुल नहीं है, इतने जितना पैसा नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। ये तो हर बोलते हैं कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुमको DNA प्रूफ नहीं होने देंगे, DNA हम कभी नहीं प्रूफ होने देंगे। ये संजीव हंस ने फ़ोन करके कहा है मुझे, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, वो व्हाट्सअप कॉलिंग किया था, नहीं तो हम आप लोग को रिकॉर्डिंग भी उसका पेश करते हैं।
लास्ट कॉल था उसका, उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया। स्टैंड नहीं क्या, हमारे जान को खतरा था हमारे पास। तो आप ये देश का चौथा स्टंप, आप लोग मीडिया है तो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। कल को अगर हमको गली राह गुजरते कहीं भी मर्डर कर दिया जाएगा तो कम से कम आप लोग इस बात को रखेंगे तो सामने, और क्या कर सकते हो। बाकी तो सिस्टम में देख ही रहे, 5 साल का बच्चा हो गया, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं भी। जब तक DNA टेस्ट नहीं होगा, फादर प्रूफ नहीं होगा, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो इसका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट कॉल ये हो गया 1 साल पिछली साल, नहीं अभी आपको क्या प्रॉब्लम? अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बार बार यहाँ आती हूँ, मेरे केस में 6 तारीख को डेट फिक्स था, केस लिस्ट पे है नहीं, यहाँ जब भी मैं आती जाती हूँ मेरे जान को खतरा है। तो मैं अभी इस कहना चाहती हूँ, मेरे जो प्रोटेक्शन पुलिस मिले तो हटा लिया गया है, तो अगर कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ या ऐसा है कि इनको कोई मतलब ही नहीं है? जैसे ही किसी व्यक्ति पर रेप केस का FIR होता है तो उसको उसके पोस्ट से हटाना चाहिए। संजीव हंस को तो प्रमोशन मिल रहा है यहाँ, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे वो कुछ किए ही नहीं है। सुरक्षा को लेकर किसी अधिकारी से मिले हैं? सुरक्षा को लेकर के अधिकारी से मिले थे, बीच में हमको सुरक्षा मिला भी था बिहार आने पे, लेकिन अभी वो हटाया गया। कि मैम आप ये बताइए, क्या कोर्ट के नेता और अधिकारी के कहने पे चल रहा है? चल नहीं रहा, लेकिन इन लोग हमको धमकी दे रहा है, तो वैसे हमको क्या मालूम, इन लोग धमकी दे रहा तो इनके हाँ हाँ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो चल रहा है, ये लोग हमको धमकी दे रहा है कि हम होने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। ये लोगों से बुलवाते हैं अपना विड्रॉल हो केस को, हम DNA प्रूफ नहीं होने देंगे। ये संजीव हंस और गुलाब यादव तो हमको कहते हैं, बाकी तो हम लीगल फाइट जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो कर ही रहे हैं, लेकिन कोर्ट में हमारा केस लिस्ट पर भी आ नहीं रहा है, काफ़ी नीचे में, कभी ऊपर आ भी जाता है तो नीचे चला जाता है। तो मुझे सिस्टम नहीं पता हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन इन लोग जो बोल रहा है कि हम होने नहीं देंगे, हम ये बता रहे हैं। आप आरोप किन पर लगा रहे हैं सर? दोनों आरोपी है, रेप तो दोनों ने ही किया है, लेकिन बच्चा तो भाई बायोलॉजिकली किसी एक का ही होगा ना, साइड जिनका DNA प्रूफ होगा। आप साइंटिफिकली अगर देखना चाहें तो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, गुलाब यादव का B पॉजिटिव है, जैसा वो बताया मेरा B पॉजिटिव है, तो मेरा और गुलाब यादव का बेटा ही नहीं हो सकता, क्योंकि B पॉजिटिव साइंटिफिकली उनके बच्चे कभी भी A पॉजिटिव नहीं होते हैं, अगर साइंस पढ़े आप लोग जानते होंगे इतना। तो संजीव हंस का A पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है, ये बेटा ऐसे साइंटिफिकली देखेंगे तो संजीव हंस का है, लेकिन हमको साइंटिफिकली नॉलेज को इसका हक नहीं मिलेगा, हक तो कानून ही दिलवाएगा ना, कोर्ट ही दिलवाएगा। और ये बार बार हमको धमकी दे रहे हैं लोग, किस चीज़ का धमकी का? पहले कॉल करके बोलते थे, बता तो रहे हो व्हाट्सअप कॉलिंग किया तो उसका एविडेंस क्या लेंगे आप? अभी कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा, अभी 2 साल हो गए आप लोग से बात, हमारा केस एज इट इज है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, टेकअप हो नहीं रहा, और इन लोग धमकी देते, जैसे बाहर मान लीजिए हम कोर्ट हाई कोर्ट गए तो वहाँ किसी को बोल दिए कोई वकील, DNA टेस्ट के लिए, हाँ क्योंकि 5 साल को हो गए इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। कोर्ट पे जब जाते हैं तो क्या वकील का क्या रहता है? अब वकील का क्या मेंशन करते हैं, मेंशन एक्सेप्ट नहीं होता है, मेंशन करेंगे कि उसको एक्सेप्ट होगा तभी तो लिस्ट करेगा, तो होता नहीं है। जनता दरबार ये सब तो मैं काफ़ी पहले ही जा चुकी हूँ, ये केस मेरा टेकअप नहीं होना, अब इन लोगों को बार बार मुझे टॉर्चर करना। फाइनली अब नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो प्रोसीडिंग है उसी से तो चलेंगे। अब यहाँ इस तरह से हमारा केस टेकअप नहीं होगा, मेरे बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, इसका एडमिशन नहीं होगा, तो जो प्रोसीडिंग है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यस बैठ जाओ, ठीक।